डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेशन, EIGRP याद है? EIGRP में हमने एक ISP से इंटरनेट की लाइन ली थी और इस राउटर को, एज राउटर को क्या करोगे आप, एक डिफॉल्ट रूट दोगे टूवर्ड ISP, है ना? टूवर्ड ISP आप क्या प्रोवाइड करवाओगे इसको, एक डिफॉल्ट रूट। बट अब ये लाइन, ये राउटर इंटरनेट से कम्युनिकेट करता रहेगा बट ये बाकी राउटर्स इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इनको भी क्या मिलना चाहिए था, डिफॉल्ट रूट। तो EIGRP में हमने डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाया था, क्या मेथड था उसका, चार मेथड देखे थे, है ना, चार मेथड देखे थे EIGRP में। अब बात करेंगे किसकी, OSPF की। OSPF में हम लोग कैसे डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा सकते हैं, तो मैं ये ISP राउटर भी ऑन कर रहा हूं और इस पे एक लूप बैक बना लेते हैं हम लोग। 8.8.8.8 राउटर तो नहीं आना यहाँ पे, ठीक है, ये एक लूप बैक बना लिया मैंने 8.8.8.8 और IP एड्रेस आई गेस कॉन्फिगर्ड है, चेक कर लेते हैं। जो रन इंटरफेस सीरियल 1/3 IP एड्रेस नहीं है कॉन्फिगर्ड, तो सीरियल 1/3 पे जाऊंगा मैं। IP एड्रेस कॉन्फिगर कर रहा हूँ 15.1.1.1 चलो शट डाउन। ISP राउटर पे आ जाओगे, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज 15.1.1.2 और एक इंटरफेस लूप बैक 1 बना रहा हूं मैं 8.8.8.8 और R1 को हम लोग क्या करेंगे, अब एक डिफॉल्ट रूट प्रोवाइड करवाएंगे टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो IP रूट 0000000 और नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज करना है, एग्जिट इंटरफेस यूज करना है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो क्या यूज कर लें, इसकी राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट रूट आ गया और यहां से आप 8.8.8 को कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो, इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हो ना आप, इंटरनेट से कम्युनिकेट कर तो पा रहे हो। आपको याद है मैंने बताया था, अगर इनके R1 के पीछे अगर कोई LAN यूजर है, अगर वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, ISP के पास में रिवर्स पाथ नहीं था। एक्चुअली इस R1 से मैं ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहा हूं, सोर्स IP क्या लग के जा रहा है इस इंटरफेस का 15.1.1.1 और ये जब रिप्लाई देगा तो किसको देगा, 15.1.1.1 को देगा, 15.1.1.1 इसके साथ में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जब यहां से आप पिंग करोगे, लेट्स सपोज R1 पे एक लूप बैक है, सो लूप बैक से पिंग करोगे आप, तो मैं पिंग करता हूं 8.8.8.8, मैंने बोला सोर्स IP क्या लग के जाए 1.1.1.1। अब इस बार ISP के पास में 1.1.1 तक रीच करने का पाथ नहीं है। हां जी सर, क्यों नहीं है बताना, रिवर्स पाथ क्या हो रहा है, अभी कुछ हुआ, किस यूजर को डिफॉल्ट गेट, अच्छा ये रीजन है, ये पिंग क्यों नहीं हो रहा ये बताऊं, वो तो मुझे पता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है भाई, ठीक है तो आ जाओ। तो IP रूट है, हाँ ISP के पास में रिवर्स पाथ नहीं है ना यार, सोर्स IP क्या लग के जाएगा, अब गेटवे की तो जरूरत ही नहीं है ना, लूप बैक तो मेरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, गेटवे की क्या जरूरत है हमें, वन डॉट यहां से आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसको, 1.1.1 से आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसको, मैं बोल रहा हूँ यहां से पिंग कर रहा हूं मैं किसको, 8.8.8 को, और मैंने बोला सोर्स IP क्या लग के जाए, ये लग के जाए, तो सोर्स IP तो इसी पे ना यार, मैं इसी से तो ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहा हूँ, तो डेस्टिनेशन IP ये रहेगा, सोर्स IP ये रहेगा, ISP के पास में ट्रैफिक जाएगा वो देखेगा 8.8.8 है, डिफॉल्ट रूट में मैच होएगा, ट्रैफिक किसको भेज देगा, ISP को। अब ISP जब रिप्लाई करेगा तो किसको करेगा रिप्लाई, अब वो रिप्लाई करेगा 1.1.1 को, और 1.1.1 तक जाने के लिए ISP के पास में कोई रूट नहीं है, रिवर्स पाथ नहीं है, ट्रैफिक वहां पे जाके क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इवन आपको दिखा देता हूं ISP पे जाके ट्रैफिक इस तक रीच कर रहा है, डीबग IP ICMP, ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा होगा देखना अभी, ये देखो
यहाँ तक रीच कर रहा है ये ट्रैफिक, बट इसके पास में रिवर्स पाथ नहीं है 1.1.1 तक जाने का। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अब रिवर्स पाथ कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? आईएसपी को डिफॉल्ट रूट नहीं देंगे हम लोग कभी भी। क्या लास्ट टाइम ऐसा किया था हमने क्या? नहीं। आईएसपी राउटर्स की राउटिंग टेबल में कभी कोई डिफॉल्ट रूट नहीं होता। तो इस एज राउटर को हम लोग क्या करेंगे, इस एज राउटर पे हम लोग पैट कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करूंगा R1 पे। नेट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? मैं एक ACL बनाऊंगा। किस आईपी एड्रेस को आपने ट्रांसलेट करना है? अरे मैं बोल रहा हूँ R1 से जब भी ट्रैफिक जाए ISP की साइड में सोर्स IP क्या लग के जाए, 15.1.1.1 लग के जाए, ट्रांसलेट होके जाए। और ISP जो है ISP के साथ में 15.1.1.1 15 का नेटवर्क क्या इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिप्लाई कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक ACL बनाऊंगा, एक्सेस लिस्ट नंबर कोई भी चलेगा, नंबर मैंने 10 दे दिया और मैंने बोला परमिट एनी सोर्स IP कुछ भी हो, IP नेट इनसाइड सोर्स। जब इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट हिट करे तो सोर्स आईपी क्या करना है, मैंने ट्रांसलेट करना है सोर्स। सोर्स जो किस में हो, जो लिस्ट 20 में हो। लिस्ट 20 में सोर्स क्या है? एनी कुछ भी हो सकता है। उसको ट्रांसलेट कर दे किस में, इंटरफेस सीरियल 1/3 में। एक ओवरलोड कीवर्ड को आप ऐड करोगे, ये जो डायनेमिक नेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैट में। ओवरलोड कीवर्ड जो है वो पोर्ट नंबर भी चेंज करना क्या कर देता है, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देता है। और अब आप चलोगे किस पे, इंटरफेस सीरियल 1/0 पे, आईपी नेट इनसाइड एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/2 आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस सीरियल 1/3 आईपी नेट आउटसाइड। अब ये लो मैपिंग करता हूँ 8.8.8.8 को, मैंने बोला सोर्स आईपी का लग के जाए, लूपबैक 1 का लग के जाए, स्टिल कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि जब यहाँ से ट्रैफिक जाएगा आपका, सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, 15.1.1.1 हो जाएगा, कुछ भी हो सोर्स आईपी। और अब जब ये रिप्लाई देगा किसको देगा, 15.1.1.1 को, ट्रैफिक वापसी में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास में 15.1.1.1 जो है वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये वापस से 15.1.1.1 को ट्रांसलेट कर देगा किस में, 1.1.1 में, और ट्रैफिक भेज देगा लूपबैक की साइड में, और कम्युनिकेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो लैन यूजर, ये जो राउटर है ये तो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है, बट क्या बाकी R4 क्या इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा? नहीं। क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा होगा? क्योंकि इसके पास में अब कोई डिफॉल्ट रूट है ही नहीं है। तो अब क्या करोगे इसके लिए, इसके पास में तो डिफॉल्ट रूट ही नहीं है। तो अब इस राउट एक तो एक काम कर सकते हैं, इस राउटर पे जाता हूं और एक डिफॉल्ट रूट दे देता हूं टुवर्ड R3। इस राउटर पे जाता हूं, इसको एक डिफॉल्ट रूट देता हूं, इस राउटर पे आके इसको एक डिफॉल्ट रूट दे देता हूं इसकी तरफ, इस राउटर पे आके इसको एक डिफॉल्ट रूट दे देते हैं R9 की तरफ। अदरवाइज जैसे EIGRP में हमने इस डिफॉल्ट रूट को प्रोपोगेट करवाया था थ्रू आउट पूरे OSPF डोमेन, EIGRP डोमेन में, वैसे हम लोग OSPF डोमेन में इसको क्या करवा लेंगे, प्रोपोगेट करवा लेंगे। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, एक ही मेथड है यहाँ पे OSPF में डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाने का, वो क्या है, राउटर OSPF 100 में जाओगे और आप क्या बोल दोगे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, बस ये डिफॉल्ट रूट। अब ये बता दो, CIP OSPF डेटाबेस। अब जो भी प्रीफिक्स आते हैं OSPF में किस फॉर्म में आते हैं, LSA के फॉर्म में आते हैं ना, तो ये किस LSA के फॉर्म में आ रहा है, LSA 5 के फॉर्म में। मतलब R1 जो है वो क्या जनरेट कर रहा है, LSA 5 जनरेट कर रहा ना, तो CIP ये कैसे एक्ट करना स्टार्ट करके ASBR की तरह है ना, और इसने एक डिफॉल्ट रूट भेज दिया LSA 5 के फॉर्म में, एंड CIP रूट ये लो डिफॉल्ट रूट आ गया। और कैसे आ रहा है, E2 से आ रहा है, बाय डिफॉल्ट E2 से ही आता है। सीड मैट्रिक कितनी आ रही है, 1। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो यहां पे जो CIP रूट, जो डिफॉल्ट रूट पड़ा था ना वो स्टैटिक डिफॉल्ट था, उसमें कोई मैट्रिक तो थी नहीं। EIGRP को जब रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया था, जो EIGRP के प्रीफिक्स थे उनके साथ में तो क्या पड़ी थी, मैट्रिक पड़ी थी, कुछ मैट्रिक को मैनिपुलेट कर रहा था कोस्ट में, बाय डिफॉल्ट क्या कोस्ट लगा के भेज रहा था 20, बट यहां तो मैट्रिक है ही नहीं, स्टैटिक जो आप रूट बताते उसमें तो कोई मैट्रिक होती नहीं है, मैट्रिक क्या है, 0 है। तो ये बट OSPF को तो मैट्रिक कुछ ना कुछ तो कोस्ट चाहिए होगी ना, तो वो 0 कभी कंसिडर करता नहीं है कोस्ट, कौन OSPF, इसलिए कोस्ट कितनी लगा के भेज रहा है, 1।
सीड मैट्रिक ये कितनी लगा के बेच रहा, बाय डिफॉल्ट 1, 0 लगा के बेच नहीं सकता, इसलिए वो 1 लगा के बेचता, क्योंकि ओएसपीएफ को कोई ना कोई आपको एक कोस देनी पड़ेगी। तो अब यहां पे इस प्रीफिक्स के पास में कोई कोस तो है नहीं, कोई मैट्रिक तो है नहीं, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रीफिक्स रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, किस में, ओएसपीएफ में, तभी तो LSA5 के फॉर्म में जा रहा है, बात आ रही है समझ में, तभी तो ये राउटर एज ASBR एक्ट करना स्टार्ट कर गया। और इस प्रीफिक्स के साथ में कोई मैट्रिक तो है नहीं जिसको मैनिपुलेट करे वो, इसलिए सीड मैट्रिक में वो कितनी मैट्रिक लगा के भेज रहा है, 000 कभी कंसीडर नहीं करता ओएसपीएफ, इसलिए क्या आप लगा के भेज रहा होता है 1, क्लियर। और ये कैसे आ रहा है, E2 की तरह आ रहा है, डिफॉल्ट रूट आ गया। अब ये लो, कर पा रहे हो कम्युनिकेट, और इसके पास में जो डिफॉल्ट रूट आ रहा है वो ओएसपीएफ का रूट है, E2 से राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया, और ओएसपीएफ को आप यहां पे क्या करवा रहे हो, रिडिस्ट्रीब्यूट तो करवा ही रहे हो। अरे ओएसपीएफ के सारे प्रीफिक्सेस क्या हो रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट किस में, EIGRP में। तो अब वो जो डिफॉल्ट रूट है वो भी किसका पार्ट है, ओएसपीएफ का ही पार्ट है ना, तो वो भी तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। तो R5 के पास में भी क्या आना चाहिए, तो ये भी तो कम्युनिकेट कर लेगा, ऐसे इनके पास में आ रहा होगा, इसके पास में आ रहा होगा, क्या चीज कितनी आ रही है, और R5 पे कितना, ठीक है। अरे EIGRP में जो भी प्रोटोकॉल रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, तो मैंने मैट्रिक वगैरह सीड मैट्रिक लगा के, अरे बैंडविड्थ डिले लोड रिलायबिलिटी वगैरह सेट करके भेजे थे 1111, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक क्या कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है, और वो प्रीफिक्स अब डिफॉल्ट रूट यहां पे भी आ रहा होगा। बट हाँ, इस डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट होने की एक कंडीशन है क्या, कि इस राउटर पे डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट होना चाहिए, अगर इस राउटर पे डिफॉल्ट रूट नहीं है, तो इस डिफॉल्ट रूट को प्रोपोगेट नहीं करेगा, मैं इसको नो कर रहा हूं, तो ये डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट अब नहीं आ रहा होगा डिफॉल्ट रूटर, इवन डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड हमने यूज करी हुई है, अभी भी डिफॉल्ट रूट क्या हो गया, रिमूव्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप चाहते हो डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट हो ना हो, बट स्टिल डिफॉल्ट रूट उसको एडवर्टाइज करवाना चाहिए, भेजना चाहिए, तो क्या करोगे, राउटर OSPF 100 में जाओगे और आप क्या बोल दोगे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट में आगे क्या कीवर्ड यूज कर लोगे, ऑलवेज। अगर आप ऑलवेज कीवर्ड यूज कर रहे हो, इस राउटर पे डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट है नहीं है, स्टिल ये क्या भेज देगा, एक डिफॉल्ट रूट किस फॉर्म में, LSA 5 के फॉर्म में। इवन एज राउटर पे जाके ट्रैफिक क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो जाएगा एज राउटर पे जाके, क्यों हो जाएगा ड्रॉप, क्योंकि इस पे कोई स्टैटिक डिफॉल्ट नहीं है टूवर्ड ISP, तो मुझे इस पे एक डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा, मैं वापस से डिफॉल्ट रूट इस पे कॉन्फिगर कर देता हूं। तो ऑलवेज कीवर्ड से क्या होगा, वो हमेशा डिफॉल्ट रूट प्रोवाइड करवाएगा, ताकि अगर डिफॉल्ट रूट इसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज कीवर्ड से। अब ऐसा होता एक और राउटर है R9 से भी क्या आ रहा है, एक इंटरनेट लाइन आ रही है, इसको भी क्या दे रखा है, एक डिफॉल्ट रूट दे रखा है टू वर्ड ISP, इसको भी हमने OSPF में क्या करवा दिया, रिडिस्ट्रीब्यूट। अब कौन सा डिफॉल्ट रूट प्रेफर करेगा, वो बताओ, R1 कौन सा पाथ प्रेफर करेगा, अरे नहीं समझ में आई बात क्या, ये देखो इस से भी एक ISP से लाइन ले रखी है, इस राउटर पे भी, इसको भी एक डिफॉल्ट रूट दे रखा है, तो इसको भी मैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट से OSPF में डाल दूंगा, तो LSA5 के फॉर्म में जा रहा होगा। R4 के पास में एक डिफॉल्ट रूट इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, कौन सा पाथ यूज करेगा वो, आर कौन सा, R1 वाला ना, R1 वाले तो करेगा, हाँ, क्योंकि इधर से B2 आ रहा है, इधर से B2 आ रहा है, ASBR तक रीच करने की कोस्ट किसकी कम है, इसकी कम है, तो ये वाला पाथ ये क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। बट आप चाहते हो ये वाला इंस्टॉल करे, तो इसके लिए क्या करोगे, E1 कर देंगे, उसके लिए E1 भेज दोगे, कैसे,
अब इसको बाय डिफॉल्ट कैसे जा रहा था, E2 जा रहा था ना, दिखाया था मैंने, E2 ही जा रहा था ना। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ राउटर OSPF 100 में मैंने मैट्रिक टाइप क्या बता दिया, 1। तो अब कैसे जाने लग जाएगा, E1। तो चेंज कर सकते हो, आपके पास में दो सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों के डिफॉल्ट रूट आप OSPF में प्रोपोगेट करवा रहे हो, कौन सा प्रेफर हो, समझ में आ रही है ना बात। और इवन आप सीड मैट्रिक भी क्या करवा सकते हो, चेंज बाय डिफॉल्ट क्या लग के जा रही है, सीड मैट्रिक 1 डिफॉल्ट रूट के केस में। तो मैंने बोला सीड मैट्रिक 100 लग के जाए, तो 100 तो ये और 64 इस लिंक की, E1 आ रहा है ना, अरे E1 आ रहा था तो टोटल पाथ कोस से इंस्टॉल कर रहा था, पहले 1 आ रही थी, 1 आ रही थी और उसके अंदर 64 वो थी, टोटल कितनी हो गई थी, R4 पे दिखा देता हूं, देखो 1 आ रही थी और सीरियल लिंक की कोस्ट कितनी हो गई थी, E1 आएगा तो टोटल पाथ कौन से इंस्टॉल करेगा ना, तो 1 LSA में आ रही थी और 64 उस लिंक की 65 से इंस्टॉल कर रहा था। अब आगे बात समझ में, सीड मैट्रिक कितनी लगा के भेज रहा हूं, इवन दिखा सकता हूं, SOIP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 0.0.0.0 सीड मैट्रिक कितनी लग के आ रही है, आगे बात समझ में ना। ये डिफॉल्ट रूट था, डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेशन, इवन R11 से भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो इंटरनेट से, ये लो, क्योंकि यहां पे भी क्या रहा होगा, एक डिफॉल्ट रूट इस राउटर के पास में, एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है किस फॉर्म में, LSA5 के फॉर्म में, अपने राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, और OSPF को हमने यहाँ पे क्या करवा रखा है, डिस्ट्रीब्यूट EIGRP में, तो वो डिफॉल्ट रूट एक्चुअली यहाँ पे OSPF का पार्ट है, OSPF में वो, अरे OSPF प्रीफिक्स है ना अभी डिफॉल्ट रूट तुम्हारा, तो OSPF में क्या हो जाएगा वो, यहाँ EIGRP में क्या हो जाएगा, वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिखा देता हूँ R11 के पास में भी डिफॉल्ट रूट राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होगा, इवन तभी तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। क्लियर, हटा दूं।